आज हम जानेंगे कि जूम ऐप को हम इस्तेमाल कैसे करें, जूम ऐप का यूज़ कैसे करें, टीचर्स जूम ऐप का यूज़ कैसे करें और स्टूडेंट्स जूम ऐप का यूज़ कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं जूम ऐप। तो जूम एक मीटिंग ऐप है जिसमें हम अनेक लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं जूम ऐप को इस्तेमाल कैसे करें। तो जूम ऐप को सबसे पहले आपको चलाने के लिए जूम ऐप को मोबाइल में चलाना है। सबसे पहले आज हम मोबाइल के बारे में देखेंगे कि मोबाइल में जूम ऐप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के जूम ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप सर्चिंग बॉक्स में आकर के लिखेंगे जूम ZOOM, तो जूम क्लाउड मीटिंग ऊपर ही आ जाएगा। और मेरा चूंकि इसमें इंस्टॉल है इसलिए ये ओपन का ऑप्शन दे रहा है और यहाँ आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको इंस्टॉल यहाँ से कर सकते हैं। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपके मोबाइल में ऐसा शो करेगा, तो उसको आपको यहाँ से खोलना है और कुछ इस प्रकार से जूम ऐप आपको इंटरफेस इसका दिखाई देगा। तो अब अपन देखते हैं जूम ऐप। सबसे पहले इसमें आपको साइन इन करना पड़ेगा। देखिए, यदि मीटिंग ज्वाइन करनी है, मात्र ज्वाइन करनी है, अपन को मीटिंग चालू नहीं करनी है, तो ज्वाइन करने के लिए जो लिंक आपकी आपके सर देते हैं या कहीं से भी मीटिंग होस्ट देता है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप यहां से ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें लॉगिन की आवश्यकता नहीं है। यदि लॉगिन है तो और अच्छा है, परंतु यदि नहीं है तो भी मीटिंग ज्वाइन करने में कोई ज़रूरत नहीं है। इसी मात्र नाम डाल करके अपन जूम ऐप से उस मीटिंग से ज्वाइन हो सकते हैं। तो अपन देखते हैं अब साइन इन कैसे करें। तो साइन इन पर आपको दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, साइन अप और साइन इन। तो आपको साइन इन करना है। साइन अप करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन साइन अप में साइन अप करते ही आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, मतलब बहुत सारी जानकारी आपको भरनी रह सकती है। तो इसलिए हम सरल तरीका देखते हैं साइन इन कर। साइन इन करने के लिए इसमें आपके लिए तीन चार ऑप्शन हैं। ऊपर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो साइन इन कर सकते हैं। और नीचे आप देख सक रहे होंगे बीच में गूगल लिखा आ रहा है, गूगल पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो मोबाइल में जीमेल आईडी लॉगिन है उससे यह अपने आप ही साइन इन हो जाएगा और क्लिक करते ही यह अपन को ज्वाइन कर लेगी, उससे लॉगिन हो जाएंगे। उसमें ज़्यादा अपने को दिक्कत नहीं रहेगी, डायरेक्ट गूगल से ही लॉगिन हो जाएगी। देखिए लॉगिन हो गई है और अब ये पूछ रहा है अलाउ दिस पेज टू जूम ओपन जूम, मतलब जूम ऐप पर इस पेज को खोलने की परमिशन ले रहा है। ओके ओके कर देंगे और ये हो गया कनेक्टिंग, मतलब अपना लॉगिन हो गया। आईडी पासवर्ड इसमें अपन अंदर आ गए हैं। अब देखिए मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ था इसी आईडी से, इसलिए मेरा नाम आ गया और मेरी डीपी भी डिस्प्ले पिक्चर जो है वह दिख रही है। इस प्रकार से यह जूम ऐप साइन इन होने के बाद ये सब ऑप्शन आपको अंदर मिल जाते हैं। अब इन सब ऑप्शंस में क्या करने लगा, तो आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है। नीचे से लास्ट ऑप्शन है चौथा सेटिंग। सबसे पहले ऊपर आपकी जीमेल आईडी दिखा रहा है, बेसिक आकाश जैन आपका नाम दिखा रहा है। यहाँ पर आकर के अपन अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। देखिए प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो टेक पिक्चर, टेक फोटो या चूज फोटो, आप अंदर गैलरी से फोटो ले भी सकते हैं और खींच के इसमें डायरेक्ट भी आ सकती है, ठीक है। इसके बाद अकाउंट, आपका जो अकाउंट से जिससे लॉगिन है वह दिखा रहा है। इसके बाद नीचे आता है डिस्प्ले नेम, आपको अपनी डिस्प्ले पर जो नाम दूसरों को दिखेगा, मतलब आपको भी दिखेगा और दूसरों को जो नाम दिखेगा वह क्या नाम रखना है। तो इसमें आप अपना नाम भी रख सकते हैं, क्लास वाइज यदि मीटिंग चल रही है तो क्लास का नाम रख सकते हैं, किसी टॉपिक पर चल रही है तो उस टॉपिक का भी, मतलब जो भी नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। उसके बाद पर्सनल नोट है, इसमें भी अपन कुछ लिख सकते हैं, जिस चीज़ के बारे में अपनी मीटिंग चल रही है तो उस चीज़ को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपडेट पासवर्ड, पासवर्ड मीटिंग का पासवर्ड क्या रखना है। तो इसमें यह पूछता है ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म। तो अभी मैंने इसमें कुछ कोई भी पासवर्ड नहीं रखा है और ना रखें तो भी बेटर है, 0 रहेगा, है ना। डिपार्टमेंट, जॉब टाइटल, लोकेशन, ये सब कुछ नहीं करना है अपन को।
नीचे यू पर्सनल मीटिंग आईडी, ये मीटिंग आईडी आपको जूम ऐप के माध्यम से ही मिलती है। जूम ऐप में लॉगिन होते ही ये आईडी आपकी बन जाएगी, तो इसमें अपने को कुछ नहीं करना है। यूज़ फिंगरप्रिंट आईडी, मतलब लॉगिन होने के लिए फिंगरप्रिंट आईडी, फिंगरप्रिंट से आप लॉगिन हो सकते हैं, तो इसको आप अलाउ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं ना। मैं अभी इसको नहीं करता हूँ क्योंकि लॉगिन वैसे है। चलिए, ये हो गई अपनी प्रोफाइल सेटिंग। अब इसी सेटिंग के ऑप्शन में नीचे आता है मीटिंग का ऑप्शन। अब ये है अपनी मीटिंग कैसे चलेगी, मीटिंग में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, क्या क्या आपको अलाउड करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो उसके बारे में यहाँ पर मीटिंग सेटिंग में मिलता है। देखिए, फर्स्ट है ऑटो कनेक्ट टू ऑडियो। ऑटो कनेक्ट टू ऑडियो मतलब जब आप मीटिंग को ज्वाइन करेंगे या मीटिंग चालू करेंगे तो ऑडियो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको ऑफ करके रखा है, आपके ऊपर है मीटिंग ज्वाइन होते ही ऑडियो चालू हो जाए या फिर आप उसको चालू करें तब चालू हो, ऑन हो तो आपके ऊपर है। ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। अब नीचे आता है ऑलवेज म्यूट माय माइक्रोफोन, तो इसको आप अलाउड नहीं करें। ऑलवेज म्यूट माय माइक्रोफोन मतलब हमेशा मेरे माइक्रोफोन को, माइक्रोफोन मतलब जिससे आवाज़ जाती है उसको म्यूट रखा जाए, तो इसको अपने को अलाउड नहीं करना है। ऑलवेज टर्न ऑफ माय वीडियो, इसको भी अलाउड नहीं करना है। मिरर माय वीडियो, इसको ऑन करना है। इसको ऑन करेंगे तो पीछे यदि आपके बैकग्राउंड में कुछ लिखा दिख रहा है, कुछ लिखा है तो उसको अपन अलाउड कर देंगे तो वह सीधा दिखेगा। यदि अपन मिरर माय वीडियो नहीं करते हैं तो वह जैसे एम्बुलेंस आपने गाड़ी में लिखा हुआ देखा होगा उल्टा लिखा होता है, उस प्रकार से आपका सीधा लिखा हुआ अक्षर उल्टा दिखाई देगा, इसलिए मिरर वीडियो अलाउड कर देंगे। उसके बाद ऑलवेज शो वीडियो प्रीव्यू, इसको अलाउड नहीं करना है। उसके बाद शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट मतलब जो वीडियो ओपन करके नहीं बैठे हैं वह भी शो हो, मतलब हमें दिखाई दें मीटिंग के अंदर, तो इसके लिए इसको अलाउड करना है। शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट ज्वाइन, कि नाम आपके लिए वह दिखाई देगा जब कोई ज्वाइन होगा तो डिस्प्ले पर नाम उसका शो होगा कि हाँ अमित जैन ने लॉगिन किया, राजू ने लॉगिन किया, ऐसा मतलब उसमें दिखाई देगा। तो इसको भी अलाउड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्लोज्ड कैप्शनिंग, कैप्शन क्लोज करना है, इसको क्लोज रहने देंगे। ये सब सेटिंग पहले से ही होती है, कुछ अपने को ये मीटिंग वगैरह की बदलनी हो तो बदल सकते हैं ना। सेफ ड्राइविंग मोड, इसको भी अलाउड कर देना है, बाकी सब अपने को इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है। इतनी सेटिंग होने के बाद, मीटिंग सेटिंग के बाद अगला ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट। किसी को आपको मीटिंग से जोड़ना है तो कॉन्टैक्ट के माध्यम से भी यहाँ से जोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा आवश्यकता अपन को नहीं पड़ती है क्योंकि मीटिंग चालू करके हम लिंक कॉपी करके कॉन्टैक्ट को भेज सकते हैं, अपने जिसको भेजनी है, ग्रुप में भेजनी है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी भेजनी है तो भेज सकते हैं। चैट का ऑप्शन आता है। उसके बाद चैट में इंक्लूड लिंक प्रीव्यू, ये ऑन कर देना है, और बाकी सब यहाँ पर नीचे शो मैसेज प्रीव्यू स्टार्ट एट द फर्स्ट अनरीड, हाँ इसमें टिक करके, ये सब टिक होगा ही पहले से इसमें, ये सब ऐसी सेटिंग आपकी रहेगी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में आपके रिंगटोन मतलब कोई भी ट्यून यदि बजेगी तो इसमें डिफ़ॉल्ट है, कुछ भी आप कर सकते हैं ना, जो आपका मन करे। तो इस प्रकार से सेटिंग का ऑप्शन अपने को मिलता है, इसमें मीटिंग सेटिंग, अपनी डिस्प्ले सेटिंग, कॉन्टैक्ट, चैट और जनरल। चैट का ऑप्शन अभी इसमें बहुत, चैट की सेटिंग है और चैट क्या होता है, चैट का भी अंदर मीटिंग चालू होने के बाद ऑप्शन आता है। तो अब अपन चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन पर, मीटिंग एंड चैट, है ना। फर्स्ट पेज आपका जो जूम खुलेगा तो ये रहेगा मीटिंग एंड चैट। ऊपर से शुरू करते हैं अब, ज्वाइन न्यू मीटिंग। देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा है न्यू मीटिंग, न्यू मीटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो यदि वीडियो आप न्यू मीटिंग मतलब आपको नई मीटिंग स्टार्ट करनी है तो यहाँ पर ऑप्शन दो पूछता है अलाउड करने के लिए, कि वीडियो ऑन और यूज पर्सनल मीटिंग आईडी, की जो आपकी पर्सनल मीटिंग आईडी है उससे उसको यूज करना चाहते हैं और वीडियो ऑन रखना चाहते हैं अथवा ऑफ रखना चाहते हैं, तो इसमें आप ऑन या ऑफ जो भी रख सकते हैं, यूज पर्सनल आईडी को आपको अलाउड कर देना है। इसके बाद हो जाती है मीटिंग स्टार्ट। मीटिंग स्टार्ट होने के बाद क्या होता है उसको अपन अभी बाद में देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका, ज्वाइन मतलब किसी भी मीटिंग को अपन को ज्वाइन करना है
तो यहाँ पर या तो डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपन ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और लिंक पर क्लिक करते ही वह जूम अपने आप उस मीटिंग में अपन को जोड़ देता है, जो अपन ने डिस्प्ले पर नाम डाला हुआ है वह अपना नाम भी उसमें शो होता है। यदि यहाँ आकर के अपन ज्वाइन करते हैं किसी भी मीटिंग को, जैसे स्टूडेंट किसी भी अपनी मीटिंग को ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पर मीटिंग आईडी, एक मीटिंग आईडी होती है, मीटिंग पासवर्ड होता है, मीटिंग का पासवर्ड आईडी होती है, और एक लिंक होती है। मीटिंग आईडी पासवर्ड से भी हम जुड़ सकते हैं और लिंक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। एक बार जो आईडी इसमें डाल देंगे अपन, जो मीटिंग आईडी होगी, लिंक कॉपी करते समय ही लिंक, मीटिंग आईडी और मीटिंग पासवर्ड सब कुछ उसमें एक साथ कॉपी हो जाता है, और हम उसको अन्य जगह पेस्ट करके किसी को भी भेज सकते हैं और कोई भी जुड़ सकता है। तो हम अभी जुड़ रहे हैं, मीटिंग आईडी इसमें अपन जो डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालेंगे। नीचे जो दिखाई दे रहा है आकाश जैन अनंत नाम लिखा है, तो उसमें आपका नाम पूछता है, मतलब आप क्या नाम डालना चाहते हैं या जो डला है वही रहना देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप ये नाम डाल करके यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आ जाता है। जितनी आईडी अपन इसमें एक बार लिखते जाएंगे तो बस सब यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे नीचे खुलती जाती हैं, तो अपन इन दोबारा डालने ना पड़े, इसलिए इसमें सरलता रहती है। एक बार डाली और दोबारा उसमें यहाँ पर लिस्ट में आ जाती है, क्लियर हिस्ट्री में आ जाती है। तो इस प्रकार से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के बाद क्या होगा इसको अपन बाद में देखेंगे। शेड्यूल नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका। शेड्यूल अभी अपन ऊपर की रो में देख रहे हैं, उसके बाद नीचे भी देखेंगे। शेड्यूल देखिए, जब कोई टीचर जैसे अपने स्कूल की क्लासेस चल रही हैं और एक दिन में 5 क्लास हैं, एक आईडी से अपन को 5 क्लासेस चलानी हैं 5 समय में, मतलब अलग अलग समय में, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, ऐसे 5 मीटिंग चलानी है। तो हम उसका पहले से शेड्यूल भी बना सकते हैं, मतलब टाइम टेबल भी बना सकते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक कौन सी क्लास रहेगी, यह यहाँ पर अपन शेड्यूल बना सकते हैं। इसमें अपन मीटिंग का सबसे पहले जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें मीटिंग नाम लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, उसके बाद इसमें मतलब सब कुछ एडिट करके अपन भर देंगे और यहाँ से अलाउड डन कर देंगे ऊपर से, तो वह अपना शेड्यूल फिक्स हो जाएगा। 10 बजे से 10:30 बजे तक टाइम जोन वही रहेगा। रिपीट यूज पर्सनल आईडी ऑन कर देंगे, और उसके बाद रिक्वायर मीटिंग पासकोड, मतलब पासवर्ड रिक्वायर है इसके लिए, जो आपने शेड्यूल बनाया इसमें पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालना जरूरी है, तो इसमें भी आप पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं। मैंने 40 रखा हुआ है, इसको ऑन कर देंगे, मीटिंग यूज पर्सनल मीटिंग आईडी हो जाएगी, पासकोड हो जाएगा। इनेबल वेटिंग रूम, देखिए वेटिंग रूम एक बहुत अच्छी इसमें सुविधा है कि जो भी पार्टिसिपेंट आपकी मीटिंग में ज्वाइन होगा, यदि आप इसको ऑन करते हैं तो वह डायरेक्ट आपकी मीटिंग में, आपके क्लास में नहीं घुस सकता है, मतलब वह ज्वाइन तो होगा लेकिन वह वेटिंग रूम में चला जाएगा। मतलब ज्वाइन जैसे ही कोई स्टूडेंट आपकी लिंक क्लिक करके आईडी पासवर्ड डाल करके ज्वाइन होगा, तो आपके मीटिंग में ही, चलती हुई मीटिंग में ही एक वेटिंग रूम का ऑप्शन होता है, वहाँ पर जैसे ही वह जुड़ेगा तो वेटिंग रूम में वह दिखाई देगा कि दिस पार्टिसिपेंट इज ऑन वेटिंग रूम, मतलब यह वेटिंग रूम में यह विद्यार्थी है या स्टूडेंट है, तो उसको आप ज्वाइन वहाँ से कर सकते हैं। अलाउड या ज्वाइन मतलब उसको बाद में कर सकते हैं यदि इसको आपने ऑन किया है। तो यदि इस वेटिंग रूम को इनेबल नहीं करते हैं, डिसेबल रहने देते हैं, बंद रहने देते हैं, तो वह कोई भी उस लिंक से जुड़ करके, लिंक पर क्लिक करके, लिंक टच कर करके डायरेक्ट आपकी मीटिंग में ज्वाइन हो सकता है। तो इसको आप अलाउड भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे अननोन जो पार्टिसिपेंट हैं, जो जिनको आप नहीं जानते हैं, उनको मीटिंग में आने की परमिशन आपको देनी पड़ेगी, मतलब जब अपन परमिशन देंगे तभी वह जुड़ सकता है। इससे अपने को भी, अपनी को ही सुविधा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, दूसरों को, कोई अन्य लोगों को मीटिंग आईडी मिल जाती है, पासवर्ड मिल जाता है या लिंक मिल जाती है, तो उसके माध्यम से जुड़ करके अपनी मीटिंग में बिगाड़ते हैं, मीटिंग को बिगाड़ते हैं और मीटिंग में कुछ अपशब्द भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से अपन इसको ऑन भी रख सकते हैं और ऑफ भी रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली अलाउ ऑथेंटिकेटर यूजर्स, नहीं इसको अलाउड नहीं करना है। उसके बाद नीचे होस्ट वीडियो ऑन, होस्ट मतलब जिसने मीटिंग चालू की है, जो टीचर है,
होस्ट वीडियो ऑन, इसको ऑन रखना, पार्टिसिपेंट वीडियो ऑन, ओके, और ऐड टू कैलेंडर, इसको अपन शेड्यूल बना रहे हैं तो कैलेंडर से ये ऐड रहेगा। और इसमें वीडियो ऑन दोनों का इसलिए पूछा क्योंकि अपन शेड्यूल फिक्स कर रहे हैं ना, शेड्यूल में जो अपन फिक्स कर देंगे स्टार्ट करते ही ये सब ऑप्शंस उसमें लागू हो जाते हैं, तो इसको अपन ओके करेंगे तो वह शेड्यूल अपना बन जाता है, फिक्स हो जाता है ना। और फिक्स होते ही यहाँ पर पहले यह जीमेल पे ले जाता है, तो वहाँ से आपको बैक कर देना है, और यहाँ पर आएंगे तो ये पूरा शेड्यूल देखिए, 10 बजे आकाश जैन टॉपिक का नाम है, इसमें आप अन्य भी क्लास का नाम डाल सकते हैं, किसी भी टॉपिक का नाम, अपनी मीटिंग की टॉपिक का नाम डाल सकते हैं, मीटिंग आईडी आ गई, उसके बाद ड्यूरेशन 30 मिनट, मतलब यह मीटिंग 30 मिनट की है, और पासवर्ड 4th 0 है, तो यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। ऐड टू कैलेंडर इनवाइट, अब ये लिंक आपको भेजनी है, तो इनवाइट में जा कर के, इनवाइट में जैसे ही जाएंगे तो ये सब आप ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं, जीमेल, मैसेजिंग, मैसेंजर, ट्रू कॉलर और कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो आपको कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर देना है। और इस प्रकार से कॉपी टू क्लिपबोर्ड करते ही आपकी यह लिंक आईडी पासवर्ड, मतलब ये पूरा शेड्यूल उसमें कॉपी हो गया है। अब आप इसको बैक आकर के जितना इसको अपने व्हाट्सएप में जो आपका ग्रुप बना हुआ है, जिस भी किसी को आपको लिंक ये भेजनी है तो उनको वहाँ पर पेस्ट कर करके आप ये लिंक वहाँ पर भेज सकते हैं, और वह इस लिंक के द्वारा इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अब शेड्यूल कहाँ दिखाई देगा, हाँ, मीटिंग नीचे से दूसरा नंबर है मीटिंग का, उसमें देखिए एक मैंने पहले से शेड्यूल बना रखा है क्लास 6th नाम से, और ये अभी आपके सामने बनाया आकाश जैन अनंत जूम मीटिंग पर्सनल मीटिंग आईडी है ना, तो इस प्रकार से आपके जितने भी शेड्यूल आप बनाना चाहें यहाँ पर पूरे सेट कर सकते हैं, एक एक करके क्लास वाइज हो जाएंगे, और यहाँ पर फिर बाद में आपको कोई भी सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप स्टार्ट करेंगे तो मीटिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और लिंक जिनके पास है वह लिंक से समय के साथ जुड़ सकेंगे, है ना। अपन ने स्टार्ट पर क्लिक किया तो इस प्रकार से यह कनेक्टिंग हो जाती है और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी अपन को मीटिंग स्टार्ट नहीं करनी है, अभी हम एंड करते हैं, इसके बारे में अभी देखेंगे मीटिंग स्टार्ट होने के बाद उसकी सेटिंग क्या क्या होती है। तो ये हो गई अपनी यहाँ तक की शेड्यूल हो गया, उसके बाद आता है शेयर स्क्रीन का ऑप्शन, है ना, तो ये ऑप्शन आपको शेयर स्क्रीन का है, ये ऑप्शन आपका मीटिंग ऑन होने के बाद चलती हुई मीटिंग में ये काम करता है, वहाँ इसकी ज़रूरत होती है। अब नीचे इंटरफेस में सबसे पहले मीटिंग एंड चैट में ये 4 ऑप्शन थे अपन ने देख लिए, डिस्प्ले नेम आपका ये रहेगा, वह भी देख लिया। अब देखिए मीटिंग एंड चैट ये ऑप्शन आपका पूरा होगा। अब इसके बाद सेकंड नंबर आता है नीचे से सेकंड मीटिंग का, है ना, जिसमें अपन ने अभी देखा था शेड्यूल अपने जो बने हुए हैं वह यहाँ पर शो करेंगे, शेड्यूल बने हैं तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और यदि नहीं बना है तो भी अपन डायरेक्ट इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर से आपके देखिए मीटिंग, उसके नीचे पर्सनल मीटिंग आईडी, आपकी आईडी लिखी हुई है, स्टार्ट, सेंड इनविटेशन और एडिट, यहाँ से भी आप मीटिंग को एडिट कर सकते हैं, क्या अलाउड करना है, क्या नहीं करना है, क्या सेटिंग है, नाम डालना है ना, वह सब यहाँ से भी एडिट हो सकता है। और सेंड इनविटेशन मतलब लिंक यहाँ से भी कॉपी हो सकती है, जैसे ही सेंड इनविटेशन पर अपन क्लिक करेंगे तो यह सब वही ऑप्शन आ जाएंगे, और यहाँ से लिंक को कॉपी कर लेंगे, और जिस ग्रुप में भी अपन को पेस्ट करनी है, जो भेजनी है, वहाँ पर पेस्ट करके उसको भेज सकते हैं। इसके बाद उसमें पहला ऑप्शन है स्टार्ट, मतलब मीटिंग को स्टार्ट करने का, कि अब अपन मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके पहले एडिट, एडिट में जाएंगे तो वही सब ऑप्शन आपके खुल के आ जाते हैं, पर्सनल मीटिंग आईडी आ गई, रिक्वायर मीटिंग पासकोड आ गया, इनेबल वेटिंग रूम ये आ गया, और बाकी सब आपको नहीं खोलना है, इसमें 2 ये बस ऑन रखना है, वेटिंग रूम का मैंने आपको बताया था, इसमें आप ऑन रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे तो यह सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी, और आपने इनविटेशन भेज ही दिया है तो अब लास्ट ऑप्शन बचता है, मतलब अब मीटिंग स्टार्ट करने के लिए आप पूर्णतः तैयार हैं, मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके पहले नीचे जो 3rd ऑप्शन आप आता है कॉन्टैक्ट का, और उसके बाद आता है सेटिंग का, तो सेटिंग का हमने सबसे पहले देख लिया था। इसके बाद अब आता है स्टार्ट मीटिंग, है ना, इसके बाद यह सब सेटिंग होने के बाद हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा इतनी सारी सेटिंग, 20 मिनट हो गए,
इतने में तो एक क्लास हो जाती है ना। अभी शुरू शुरू में लगता है, एक बार आप सेटिंग कर लेंगे तो बार बार आपको नहीं करनी पड़ेगी, शेड्यूल बना लेंगे तो और भी सही रहेगा। जिस क्लास का जब टाइम है सो उसको चालू किया और बच्चे ज्वाइन हुए और आपने स्टार्ट कर दी, डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब हम देखते हैं मीटिंग स्टार्ट करके, है ना। स्टार्ट मीटिंग, अपनी पहली मीटिंग स्टार्ट होती है। देखिए मीटिंग स्टार्ट अपनी हो गई है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, नए नए दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले ऊपर देखेंगे, देखिए हेडफोन का ऑप्शन है, हेडफोन लगी हुई है। उसके बाद कैमरा, आप बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा दोनों ही इसमें दिखा सकते हैं, बैक कैमरा हो या फ्रंट, जो भी रखना चाहते हैं। बोर्ड आपको दिखाना है तो बैक कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जूम लिखा हुआ है, एंड मीटिंग है ना, सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको, एंड का ऑप्शन आता है, एंड पर जैसे ये मीटिंग बंद करने के लिए ऑप्शन है आपके, तो एंड पर क्लिक करते ही, देखिए एंड पर क्लिक करते ही दो ऑप्शन आपके खुल के आते हैं। पहला एंड मीटिंग फॉर ऑल और दूसरा है लीव मीटिंग। देखिए यदि आप लीव मीटिंग करते हैं तो मीटिंग से आप बाहर हो जाएंगे, मतलब लीव हो जाएंगे और वह मीटिंग चलती रहेगी, क्योंकि आपने मीटिंग स्टार्ट की थी, इसलिए एंड मीटिंग फॉर ऑल मतलब सभी के लिए इस मीटिंग को ख़त्म कर देना, मतलब बंद हम कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। तो आपको इसमें से ध्यान रखना है, लीव मीटिंग ना करके एंड मीटिंग फॉर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस प्रकार से मीटिंग आपकी बंद हो जाएगी। देखिए और आप बाहर आ जाएंगे, बस सभी स्टूडेंट भी बाहर चले जाएंगे, मीटिंग बंद हो जाएगी। यदि आप लीव मीटिंग पर क्लिक कर देते हैं तो आप स्वयं उस मीटिंग से बाहर हो जाएंगे और वह मीटिंग ऑन आपकी ऑन रहेगी, स्टूडेंट उसमें जुड़े रहेंगे, आप स्वयं उससे बाहर हो जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखने की बात है, एंड मीटिंग फॉर ऑल करना है, लीव मीटिंग नहीं करना है। इसके बाद देखिए क्लिक करेंगे तो ये सब ऑप्शन हाइड हो जाते हैं और आपका नाम, बस जो डिस्प्ले नेम आपने दिया था वह शो हो रहा है, वह लिखा रहेगा। इसके बाद नीचे आता है माइक म्यूट, स्टॉप वीडियो, शेयर, पार्टिसिपेंट और मोर। म्यूट मतलब आपका ये माइक है, आप माइक को ऑन रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, कुछ बोलना है मतलब क्लास चल रही है तो ऑन रख लिया, कुछ जो बच्चों को नहीं सुनाना है, कोई आपसे आ गया बात कर रहा है तो इसको आप म्यूट भी कर सकते हैं, जिससे आपकी आवाज़ वहाँ जाना, मीटिंग में जाना बंद हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है वीडियो का, वीडियो ऑफ रखना है या फिर ऑन रखना है, तो इस प्रकार से आप इसको वीडियो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आता है शेयर स्क्रीन, है ना, शेयर का ऑप्शन है, शेयर को अपन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है पार्टिसिपेंट का, पार्टिसिपेंट मतलब इस पेज को अपन खोलेंगे तो जितने भी लोग आपकी मीटिंग में ज्वाइन हैं वह सभी इस पेज पर दिखाई देते हैं। अभी मैं स्वयं हूँ तो एक है तो एक ही दिखाई दे रहा है। जो मीटिंग होस्ट करेगा मतलब मीटिंग जो चालू करेगा उसके नाम के आगे होस्ट लिखा आता है और बाकी सब नीचे नेम वाइज आते जाते हैं। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक इनवाइट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इनवाइट मतलब यहाँ से भी अपन लिंक कॉपी करके अपने ग्रुप्स में अपने स्टूडेंट्स को पेस्ट करके वहाँ पर भेज सकते हैं। और एक और ऑप्शन है म्यूट ऑल, म्यूट ऑल मतलब जितने भी माइक आपकी मीटिंग में जिन जिन बच्चों के जिस जिसके खुले हुए हैं, ऑन हैं, आवाज़ आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है, तो आप उनको म्यूट ऑल मतलब सबके माइक एक साथ बंद हो जाएंगे, आपके स्वयं का भी माइक एक साथ बंद हो जाएगा। इसमें नीचे एक ऑप्शन है अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्व, मतलब उनको ये परमिशन, यदि अपन इसको अलाउ कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, तो इनको परमिशन है पार्टिसिपेंट को, जितने भी आपके जुड़े हुए हैं, कि वह अपने आप से स्वयं से अपना माइक खोल सकते हैं, ओपन करके बोल सकते हैं। और यदि आप इसको इनेबल नहीं करते हैं, ये वाइट रहने देते हैं, डिसेबल रहने देते हैं, तो अनम्यूट हो पाएगा, जिसको आप अनम्यूट करेंगे वही बोलेगा, है ना, बाकी कोई नहीं बोल सकता है। यदि कम बच्चे हैं और मतलब आप चाहते हैं कि अपने वहाँ आपसे वह माइक ऑन करें तो इसको अलाउड करें, वरना इसको डिसेबल करके म्यूट ऑल कर देंगे, सबका माइक एक साथ बंद हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है आस्क ऑल टू अनम्यूट, है ना, कि एक साथ सभी के माइक खोलने के लिए अपन आस करेंगे, मतलब अपन खोल नहीं सकते हैं, इसको यदि अपन टच कर देंगे तो सबके पास मैसेज चला जाएगा कि आप अपना माइक खोलें अथवा खोल सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये अपना पार्टिसिपेंट का ऑप्शन है।
इसके बाद एक अपना लास्ट ऑप्शन बचा है शेयर का, है ना, शेयर बीच में है, शेयर स्क्रीन, इसको शेयर स्क्रीन भी कहते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं बच्चों को, आप इसमें फ़ोटो, डॉक्यूमेंट, स्क्रीन शेयर, कैमरा शेयर और वाइट बोर्ड, है ना, ये सब शेयर करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इससे आपको पढ़ाने में, टीचर्स को, हमको, सबको पढ़ाने में आसानी होती है। फ़ोटो यदि दिखानी है तो फ़ोटो को, फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो जितने भी फ़ोटो आपके ब्राउज़र में हैं, अंदर फाइल्स में हैं, उसको चूज करके आप दिखा सकते हैं। डॉक्यूमेंट पर अपन क्लिक करेंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट अंदर हैं आप यहाँ से चूज़ करके उस डॉक्यूमेंट को बच्चों को दिखा सकते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेयर में, डॉक्यूमेंट है, वेब URL, बुकमार्क, ये सब तो ठीक है। उसके बाद आता है स्क्रीन शेयर, है ना, स्क्रीन शेयर जिसको अपन बोलते हैं। स्क्रीन शेयर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है, देखिए, जूम विल स्टार्ट कैप्चरिंग एवरीथिंग दैट्स डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन, है ना, कि जो भी आपकी स्क्रीन पर चलेगा वह जूम में दिखाई देगा, कैप्चर करेगा जूम उसको, है ना। तो और इसका उपयोग कब करते हैं कि जब अपन को किस बच्चों को कोई वीडियो दिखानी है तो अपन इस स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखा सकते हैं, या फिर मोबाइल के अंदर की जो भी चीज़ दिखानी है तो अपन स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखा सकते हैं। इसके बाद आता है वाइट बोर्ड का ऑप्शन, वाइट बोर्ड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप इस पेंसिल के माध्यम से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं और समझा सकते हैं, कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं इत्यादि, आपने इसका उपयोग किया ही होगा। और इरेजर है, इससे आप इस इन सभी को साफ कर सकते हैं, और यहाँ से जो थ्री डॉट हैं इसको सेव भी कर सकते हैं, और न्यू वाइट बोर्ड को भी यहाँ पर चुन सकते हैं, न्यू वाइट बोर्ड को भी यहाँ पर ले सकते हैं। इस प्रकार ये अपना वाइट बोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ से स्क्रीन शेयर बंद कर दें। तो ये हुए अपने स्क्रीन शेयर के ऑप्शन। इस प्रकार अपनी सभी सेटिंग हो गई, अनम्यूट के बारे में बता दिया, वीडियो के बारे में बता दिया, आपको शेयर स्क्रीन के बारे में भी बता दिया, पार्टिसिपेंट हो गए। अब लास्ट आता है ये ऑप्शन मोर का ऑप्शन, है ना, इसमें मोर लास्ट में थ्री डॉट है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। चैट मतलब जिस भी विद्यार्थी का, मान लो माइक तो ऑफ है, अब उसे कुछ बोलना है तो वह आपसे चैट कर सकता है ना, इसमें भी ऑप्शन आते हैं। एवरीवन चैट, एवरीवन मतलब सभी कर सकते हैं, सेंड टू एवरीवन है, जब मीटिंग चालू हो, जब बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, मतलब एक से दो हो जाएंगे, तो इसमें वो ऑप्शन खुल जाता है कि डायरेक्ट मैसेज किसके पास जाएगा, सभी को दिखाई दे अथवा होस्ट को ओनली दिखाई दे, तो इसमें मैसेज आप टाइप करके बच्चे, विद्यार्थी कोई भी सेंड कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन उसमें है मीटिंग सेटिंग का, यहाँ से भी आप मीटिंग सेटिंग को देख सकते हैं, मीटिंग सेटिंग यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। म्यूट अपॉन एंट्री, इसमें सेकंड नंबर आपको दिखाई दे रहा है म्यूट अपॉन एंट्री, तो इसको आपको अलाउड कर देना है। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई जुड़ेगा तो वह म्यूट रहेगा, है ना, एंट्री के साथ ही म्यूट रहेगा, उसका माइक ऑफ रहेगा। प्ले ज्वाइन एंड लीव साउंड, इसको कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, कि जब कोई ज्वाइन हो या कोई लीव हो तो साउंड की आवाज़ आए, ना साउंड आए, तो इसको ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद आता है सो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट ज्वाइन, है ना, कि जो पार्टिसिपेंट आपका ज्वाइन होगा, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होगा, उसका नाम शो होगा आपकी डिस्प्ले पर, ऊपर से नीचे की ओर लिखा हुआ दिखाई देगा। और तो ये भी आप ऑन कर भी सकते हैं और नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिसिपेंट वाले पेज में ऐसा भी आपको दिखाई देंगे ही। इसके बाद आता है सो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट, इसको आपको ऑन रखना जरूरी है, कि इसका मतलब है कि जिनकी वीडियो ओपन नहीं है, जिस भी स्टूडेंट की, वह भी आपको शो हो, मतलब दिखाई दे, तो इसको आप ऑन रखें। यदि ऑन नहीं करते हैं तो जिनकी वीडियो खुली हुई है वही ओनली दिखाई देंगे, बाकी कोई भी दिखाई नहीं देगा, तो इसको आप ऑन रखें, ऑन ही रखना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ये चैट हो गया, मीटिंग सेटिंग हो गई, यूट्यूब, ये यूट्यूब का ऑप्शन दे रहा है, तो ये यूट्यूब मतलब जूम से डायरेक्ट यूट्यूब लाइव करने का ऑप्शन है। ये ऑप्शन काम करेगा कब, जब अपनी पेड आईडी होगी, मतलब खरीदी हुई आईडी होगी उस पर ये काम करता है, फ्री वाली आईडी पर काम नहीं करता। उसके नीचे आता है डिसकनेक्ट ऑडियो, मतलब ये अपने लिए भी है, ऑडियो डिसकनेक्ट मतलब यदि अपन इसको कर देते हैं तो जूम की कोई भी आवाज़ अपने को सुनाई नहीं देगी और अपनी वहाँ भी सुनाई नहीं देगी, इसलिए डिसकनेक्ट का ऑप्शन है। विद्यार्थियों के लिए भी है, इसको सबसे पहले आपने देखा होगा ज्वाइन ऑडियो ऐसा लिखा था ना, ऑटो ज्वाइन अपन ने सेटिंग में देखा था,
तो उसके स्थान पर ये डिसकनेक्ट के लिए ऑप्शन आता है। यदि कोई काम कर रहे हैं डिस्टर्ब हो रहा है तो इसको अपन डिसकनेक्ट कर दें तो ऑडियो डिसकनेक्ट हो जाता है। उसके नीचे आता है रेज हैंड, किसी को कुछ कहना है, बीच में क्लास चल रही है कोई बोलना चाहता है या आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप कह सकते हैं कि अपना अपना जिसको आंसर आता है रेज हैंड कीजिए। वीडियो में करें वो अलग बात है, लेकिन इसमें भी रेज हैंड का ऑप्शन है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का कुछ रेज हैंड हाथ ऊपर के लिए और दिखाई देगा, जिससे वह यहाँ पर शो होगा नाम के आगे, तो उसको आप पूछ सकते हैं, उसको आप अनम्यूट कर सकते हैं। उसके बाद लोअर हैंड मतलब उसका हाथ नीचे कर दिया। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, सभी इमोजीज हैं। फर्स्ट है क्लैपिंग का है, थंब का है, हार्ट है, लाफिंग है, आश्चर्यजनक है, मतलब बहुत सारे जितने भी इमोजीज होती हैं इसमें सभी ऑप्शन आ जाते हैं। तो वह भी कोई भी स्टूडेंट आपको अपनी क्लास में इन इमोजी का यूज़ कर सकता है और आप भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जूम की संपूर्ण सेटिंग इस प्रकार अपन ने पूरी देखी। लगभग सभी ऑप्शंस मैंने इसमें बता दिए हैं। एक और ध्यान रखने की बात है एंड मीटिंग वाली, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो होस्ट है वह लीव मीटिंग ना करे, है ना, एंड मीटिंग फॉर ऑल, जिससे कि वह मीटिंग बंद हो जाएगी। यदि लीव मीटिंग करते हैं तो आप बाहर चले जाएंगे और बच्चे सभी इसी में जुड़े रहेंगे, तो एंड मीटिंग फॉर ऑल करेंगे और मीटिंग से बाहर आ जाएंगे, सबके लिए मीटिंग बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपनी यह जूम की संपूर्ण सेटिंग थी। और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कहें, उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।